बॉलीवुड की वो नामचीन हीरोइन थी, फिल्मी पर्दे पर राज किया करती थी, लेकिन एक बार एक बिजनेसमैन से प्यार किया हुआ उस हीरोइन ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। शादी के बाद विदेश चली गई तो वहाँ जाते ही कुछ साल बाद पता चला कि पति का अफेयर चल रहा है, और ये पता चलते ही हीरोइन का दिल टूट गया। वो कुछ दिनों के लिए पति का घर छोड़कर इंडिया आ गई, और इंडिया में उसने भी शुरू कर दिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये कहानी है मुमताज की, वही मुमताज जो 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया करती थी, जिन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र समेत कई एक्टर्स के साथ बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में की। लेकिन एक बार मुमताज को बिजनेसमैन मयूर माधवानी से प्यार हुआ तो उन्होंने 1974 में उनसे शादी रचाई, अपनी पेंडिंग फिल्में कंप्लीट की, और उसके बाद वो पूरी तरह से लंदन चली गई थी। मुमताज ने खुद इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में किया था। मुमताज ने क्या कहा था हम आपको बताते हैं। मुमताज ने अपने इंटरव्यू में कहा, आदमियों के लिए अफेयर करना आसान होता है, मेरे पति के नहीं थे सिर्फ एक के अलावा, मैं उनकी इज्जत करती हूँ क्योंकि उन्होंने इस बारे में मुझे बताया था। मेरे पति को US में एक लड़की पसंद आ गई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा और कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे अलावा भी मेरी लाइफ में कोई है। आज ये सब हमारे लिए एक भूली कहानी है, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी तब मुझे बहुत दुख हुआ था। पति के अफेयर के बाद मैं अकेला फील करने लगी थी, मुझे बुरा लगने लगा था और मैं भारत आ गई। यहाँ मेरा भी अफेयर हो गया, लेकिन वो सीरियस नहीं था, वो कुछ दिनों का फेज था और फिर जल्दी ही ख़त्म हो गया। जी हाँ, तो मुमताज ने बताया कि जब उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ तो पति के घर में, वो लंदन में रहती थी, वहाँ से वो इंडिया आ गई और फिर इंडिया में भी उनका एक अफेयर शुरू हो गया। हालांकि ये बहुत लंबा अफेयर नहीं था, वो जानती थी कि इस अफेयर का अंजाम शादी नहीं है। और कुछ दिनों बाद मुमताज फिर अपने पति के पास लौट गई। मुमताज की दो बेटियां हैं, उनकी दोनों बेटी की शादी हो चुकी है और आजकल मुमताज जो हैं मुंबई में ज़्यादा रहती हैं। पिछले दिनों वो अस्पताल में भी भर्ती थी, तब भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कहा था कि उनके पति उनको बहुत प्यार करते हैं और वो उनसे मिलने आ रहे हैं बहुत जल्द। तो अब इन दिनों मुमताज लंदन में ना रहकर मुंबई में रह रही हैं, आजकल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। मुमताज ही नहीं, बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। पूनम ढिल्लो ने 80 के दशक में अशोक ठाकेरिया नाम के फिल्म मेकर से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में अनबन होने लगी और उनको पता चला कि उनके पति का अफेयर चल रहा है। और ऐसे में पूनम ढिल्लो भी अपने पति से नाराज हो गई और उन्होंने भी अपने पति को जलाने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। हालांकि पूनम ढिल्लो का भी ये रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सका। उन्होंने सोचा था कि ये अफेयर करने के बाद शायद उनके पति उनके पास लौट आए, लेकिन उन दोनों के रिश्तों में और भी तल्खी आ गई और फिर पूनम ढिल्लो ने अपने पति से तलाक ले लिया। उनके दो बच्चे हैं, उनकी बेटी ने भी फिल्मों में डेब्यू किया है, उनका एक बेटा भी है और लंबे समय से वो अपने दोनों बच्चों की सिंगल पेरेंट हैं, उनको पाल पोस रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि पूनम ढिल्लो अपने दौर की बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी। 1977 में वो मिस इंडिया बनी थी और उसके बाद वो मुंबई आई और मुंबई में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। यश चोपड़ा ने उनको फिल्मों में ब्रेक दिया था, त्रिशूल फिल्म में वो पहली बार नज़र आई थी, उसके बाद यश चोपड़ा ने भी उनके लिए फिल्में बनाई। 80 के दशक की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी, बहुत चर्चित भी थी, लेकिन पूनम ढिल्लो ने एक फिल्म मेकर से शादी करने के बाद उनका करियर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अभी वो कई फिल्मों में कभी कभार नज़र आती हैं, BJP से वो जुड़ गई हैं और पूनम ढिल्लो जो है फिल्मों से ऑलमोस्ट दूर हो गई। हालांकि पूनम ढिल्लो जितनी खूबसूरत थी और जितना शानदार उनका डेब्यू रहा, उनकी बेटी का डेब्यू इतना शानदार नहीं रहा। पलोमा उनकी बेटी का नाम है और उन्होंने कुछ दिन पहले ही दोनों फिल्म से डेब्यू किया था सनी देओल के बेटे के साथ, लेकिन ये फिल्म बहुत ज़्यादा चली नहीं। इधर चलिए एक बार फिर से मुमताज की बात करें तो मुमताज बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस तो रही ही, उनका नाम राजेश खन्ना से जुड़ा, धर्मेंद्र के साथ भी उनकी बहुत बनती थी, तो उस दौरान मीडिया में ये भी गॉसिप आई थी कि धर्मेंद्र से उनका अफेयर है। यही नहीं, फिरोज़ खान संग भी उनके रिश्तों की चर्चा होती है, लेकिन उनका बहुत सीरियस रिलेशनशिप रहा शम्मी कपूर के साथ। शम्मी कपूर की जब वाइफ का डेथ हो गया था तो ब्रह्मचारी फिल्म में मुमताज ने उनके साथ काम किया था और इसी फिल्म के सेट पर दोनों नज़दीक आ गए थे। शम्मी कपूर मुमताज से शादी करना चाहते थे। इन दिनों मुमताज इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपने बारे में कई सारे खुलासे किए। उन्होंने राजेश खन्ना के बारे में खुलासे
फैसले किए। उन्होंने ये भी बताया कि शर्मिला टैगोर के साथ किस तरह से उनकी दुश्मनी हुआ करती थी, कैसे उन दोनों हीरोइनों की कैट फाइट होती थी और इसकी वजह थे राजेश खन्ना, क्योंकि ये दोनों ही एक्ट्रेसेस राजेश खन्ना के साथ काम करती थी और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्में हिट हुआ करती थी और उस दौरान दोनों के बीच एक राइवलरी थी और दोनों आपस में बात भी नहीं करती थी। हालांकि एक फिल्म में इन दोनों ने साथ काम भी किया था लेकिन इसके बावजूद इनकी कभी बनी नहीं। और सालों बाद मुमताज ने पहले तो ये कहा कि उनको कभी शर्मिला टैगोर से बात करने का टाइम नहीं मिल पाता था, हालांकि दोनों ने एक ही फिल्म में काम किया था। और सालों बाद एक बार फिर से मुमताज ने शर्मिला टैगोर पे हमला बोला। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, वो मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है। मैंने 8 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने काम के दौरान ही सब कुछ सीखा। चाहे शर्मिला हो या कोई और, मुझे उनसे बातचीत करने का कभी समय नहीं मिला। आजकल की फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब भी किसी फिल्म में दो एक्ट्रेस होती है तो फिल्म के सेट पर जो माहौल बड़ा तनाव वाला होता है, क्योंकि फिल्म की जो दो लीड एक्ट्रेसेस होती हैं उनके बीच अनबन होती है और इससे कई बार पूरा जो यूनिट है वो परेशान हो जाता है। तो ये ऐसी बातें जो है आज की ही नहीं है, बल्कि 60 के दशक में भी ऐसा होता था, 70 के दशक में भी ऐसा होता था कि किसी फिल्म में दो एक्ट्रेस हैं तो उनके बीच अनबन हो जाती थी। और श्रीदेवी और जयाप्रदा का किस्सा कौन भूल सकता है कि जब इन दोनों को जितेंद्र और राजेश खन्ना ने 3 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दिया था और उसके बाद जब दरवाज़ा खोला गया था तब भी दोनों एक दूसरे से मुँह फेर करके बैठी हुई थी।